हेलो फ्रेंड्स, शायद ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा वीडियो हो सका है। आज के इस वीडियो में आपको गूगल के 10 ईस्टर एग्स बताऊंगा और लास्ट में आपको 4 बोनस ईस्टर एग्स भी बताऊंगा। ईस्टर एग्स मतलब गूगल के फनी ट्रिक्स, और आप इसकी मदद से अपने दोस्तों को शो ऑफ भी कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि वीडियो के लास्ट तक में आप एक ना एक बार तो लाइक करने के बारे में सोचेंगे ही, तो भले काम में देरी क्यों। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल के घंटे को भी दबा दीजिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जितने भी ईस्टर एग्स बताऊंगा उसमें से कुछ कुछ ईस्टर एग्स डेस्कटॉप साइट पे काम करते हैं और कुछ कुछ डेस्कटॉप और मोबाइल साइट दोनों पे। तो अगर आपको सारे ईस्टर एग्स यूज करना है तो आपको क्रोम के 3 डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को इनेबल करना होगा, जिससे आप जो भी साइट सर्च करेंगे तो कंप्यूटर के साइट की तरह आएगा। मुझको पफिन ब्राउजर में ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए मैं पफिन ब्राउजर यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मेरा सबसे पहला ईस्टर एग है डू अ बैरल लोड, जैसे आपको गूगल पे सर्च करना है डू अ बैरल रोल और आपको इसको सर्च कर लेना है, तो आप देखेंगे कि गूगल का पेज एक बार रोटेट होकर वापस सीधा हो गया है। मैं उसको दोबारा से सर्च करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोबारा से एक बार आप जितनी बार पेज को रिफ्रेश करेंगे उतनी बार पेज रोटेट होकर सीधा हो जाएगा। तो ये मेरा सबसे पहला ईस्टर एग्स था। मेरा दूसरा ईस्टर एग्स है, दूसरा ईस्टर एग है मेरा एसक्यू। आपको एसक्यू सर्च करना है गूगल पे, तो आप देखेंगे कि गूगल का पूरा पेज टेढ़ा हो गया। एसक्यू का मतलब ही होता है टेढ़ा, तो आप देखेंगे गूगल का पूरा पेज टेढ़ा हो गया। आप एसक्यू की जगह अगर टिल्ट भी सर्च करेंगे पूरा पेज टेढ़ा हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा पेज टेढ़ा हो चुका है। तो हमारा तीसरा ईस्टर एग है, तीसरा ईस्टर एग रोल अ डाइस। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे रोल अ डाइस या रोल अ डाई, तो आपके सामने एक डाइस आ जाएगा जिसको आप रोल कर सकते हैं लूडो खेलने के लिए। मैं अभी आपको जितने भी साइड्स आपको चाहिए, जैसे 20 साइड्स, 12 साइड्स, 10 साइड्स, 8 साइड्स, मैं 6 साइड्स वाला दिखा रहा हूँ जो नॉर्मल डाइस होता है, और उसको आप रोल कर सकते हैं। जैसे देखिए ये रोल हो रहा है, उनको 2 आया, उसको 3 आया। अब मैं इसको हटा के आपको 10 साइड्स का डाइस दिखा रहा हूँ, जैसे कि दिख रहा है मुझको अभी 5 आया। मुझको 7 आया, अब मुझको 6 आया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आप कितने भी नंबर 20 तक में कितने भी नंबर का डाइस रोल कर सकते हैं। हमारा चौथा ईस्टर एग है ब्लेचली पार्क। अगर आप सर्च करेंगे ब्लेचली पार्क, तो आप देखेंगे कि ब्लेचली पार्क की जगह अदर लेटर्स आ रहे हैं और फिर वो लेटर जंबल होकर ब्लेचली पार्क में बदल जा रहा है। पर अगर आप कोई दूसरा जगह सर्च करेंगे, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ ताजमहल, तो इसमें सीधे ताजमहल आ गया है। पर जब हम लोगों ने ब्लेचली पार्क सर्च किया था, मैं आपको दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे अदर लेटर्स आ रहे हैं और फिर वो लेटर्स ब्लेचली पार्क में बदल जा रहे हैं। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। आप अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे ब्लेचली पार्क, तो यहाँ पे जंबल लेटर्स आने लगेंगे, फिर वो ब्लेचली पार्क में कन्वर्ट हो। अब मैं आपको पांचवा ईस्टर एग बताने जा रहा हूँ। मेरा पांचवा ईस्टर एग है फ्लिप अ कॉइन। अगर आप क्रिकेट खेलने का मन है और आपके पास कॉइन नहीं है जिससे आप टॉस कर सके, तो आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे फ्लिप अ कॉइन, तो आपके पास एक कॉइन आएगा जिसको आप टॉस करके हेड्स या टेल्स पता कर सकते हैं। जैसे अभी मुझको टेल्स आया, मैं दोबारा से फ्लिप करूंगा तो देखते हैं मुझको क्या आता है। जैसे मुझको अभी भी टेल्स आया, दोबारा से टॉस करते हैं, अभी भी मुझको टेल्स आया, लग रहा है मेरे लक में सिर्फ टेल्स ही है। देखिए हेड्स आ गया। अब मैं आपको अपना छठा ईस्टर एग बताने जा रहा हूँ। मैं छठा ईस्टर एग है ब्लिंक HTML। आप अगर गूगल पे ब्लिंक HTML सर्च करेंगे, HTML,
आपके गूगल में जहाँ जहाँ पे ब्लिंक HTML और ब्लिंक लिखा हुआ है वो वर्ड्स ब्लिंक करने लगेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप चाहे तो इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। सातवां इस्टर एग है एनिमल साउंड्स। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एनिमल साउंड्स तो आपको बहुत सारे एनिमल के साउंड्स मिल जाएंगे, जैसे एलिफेंट, रैटल स्नेक, पेंगुइन, पेट्रेट। और आपको और एनिमल के साउंड देखना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको और एनिमल के साउंड दिख सके, जैसे राइनोसेरोस और एप। आपको लायन का भी साउंड देखना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। लायन का साउंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इसमें सभी एनिमल्स के साउंड्स आ जाएंगे अगर आप मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ये रहा लायन का साउंड, ये रहा लियोपार्ड का साउंड। आप किसी भी एनिमल का साउंड देख सकते हैं। अब मैं आपको अपना आठवां ईस्टर एग बताने जा रहा हूँ। हमारा आठवां ईस्टर एग है गूगल का सबसे पहला वर्जन, गूगल इन 1998। तो आपको गूगल के सर्च मार में जाके सर्च करना है गूगल इन 1998, तो आप देखेंगे गूगल का पहला वर्जन आ गया है। आप इसमें भी सर्च करके गूगल के पहला वर्जन का मजा उठा सकते हैं। हमारा नौवां ईस्टर एग है फेस्टिवस। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे फेस्टिवस तो आप देखेंगे कि गूगल के पेज के बगल में एक बड़ा सा पोल आ गया है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बार लाइन खड़ा हो गया है और यहाँ पे इसका एपिसेंटर है। तो आप भी अगर गूगल पे फेस्टिवस सर्च करेंगे तो आपको उसके बगल में कोल खड़ा दिखाई देगा। हमारा दसवां ईस्टर एग है नंबर नेम। अगर आप कोई नंबर लिखेंगे, जैसे मैं लिख कर दिखा रहा हूँ 4 5 6 3 8 9, और उसके बाद इक्वल टू इंग्लिश लिखेंगे तो आपको उसका नंबर नेम मिल जाएगा। जैसे मुझको मिल गया 450, जैसे मैंने टाइप किया था 4 5 6 3 8 9, तो मुझको मिल गया 456,389। तो आप भी अगर ऐसे लिख कर बराबर इंग्लिश लिखेंगे तो आपको भी इसका नंबर नहीं मिल जाएगा। तो अब टाइम हो गया है बोनस ईस्टर एग का। हमारा सबसे पहला बोनस ईस्टर एग है गूगल गेम्स। गूगल में बहुत सारे बिल्ट इन गेम्स हैं, जैसे कि पैक मैन, स्नेक, टिक टक टो। तो आप अगर गूगल का कोई भी एक गेम सर्च करेंगे, जैसे मैं पैक मैन सर्च कर रहा हूँ, तो पैक मैन गेम आ जाएगा। आप इसे खेल भी सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको खेल के नहीं बताऊंगा। और इसमें और भी बहुत सारे गेम है, जैसे स्नेक, सॉल्टेयर, एनिमल साउंड्स, फन फैक्ट्स, माइंड स्वीपर। और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और गेम, सॉरी माइंड स्वीपर लग गया। और अगर जैसे टिक टैक टो है, स्पिलर ड्रायल, अर्थ डे क्विज, और भी बहुत सारे गेम हैं। और टूल्स में देखिएगा आप तो कलर पिकल, मेट्रोनोम, स्पिनर, फ्लिप कॉइन, कैलकुलेटर, मेडिटेट, रोल आ डाई। तो ये हमारा सबसे पहला बोनस ईस्टर एग था। हमारा दूसरा बोनस ईस्टर एग है गूगल इमेज। अगर आप गूगल के होम पेज पे जाएंगे और उसके होम पेज पे जाके इमेजेस पे क्लिक करेंगे और कोई एक इमेज अपलोड करेंगे, जैसे कि मैं अपलोड करके बता रहा हूँ, जैसे कि मैं ये एक इमेज अपलोड कर रहा हूँ, जैसे मैं ये इमेज अपलोड कर रहा हूँ, तो ये इमेज अपलोड हो रहा है। देखिए अभी मुझको मैंने ये इमेज अपलोड किया और मुझको इस इमेज के बारे में पूरे इंफॉर्मेशन मिल गई, इस रिलेटेड इमेज भी मिल गई। तो आप भी इसमें गूगल इमेज में जाके कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। आप चाहे तो अपनी मैथ्स प्रॉब्लम की फ़ोटो खींचकर उसको भी अपलोड करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। अब टाइम हो गया तीसरे ईस्टर एग का। हमारा तीसरा ईस्टर एग है विजार्ड ऑफ ओजेड।
तीसरा बोनस ईस्टर एग है विजार्ड ऑफ कूजेट, इसमें सर्च करके बता रहा हूँ, विजार्ड ऑफ ओजेड। जैसे आपने विजार्ड ऑफ ओजेड सर्च किया, आपको यहाँ पे एक शूज मिल रहा है, मैं पूरा साउंड बढ़ा दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको एक शूज मिल रहा है, अगर आप शूज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें एक म्यूजिक बजने लगा है, पूरा पेज रोटेट होकर ब्लैक एंड वाइट में चेंज हो गया। तो फिर अगर मैं टॉर्नेडो पे दबाऊँ फिर उनको वैसा वापस वैसा पेज चाहिए, तो मैं टॉर्नेडो पे दबाऊंगा तो यहाँ से एक हाउस गिरने लगेगा और ये पेज वापस रोटेट होके वैसे पेज बदल जाएगा और यहाँ पे सैंडल्स आ जाएगा। हमारा सबसे लास्ट और आखिरी बोनस ईस्टर एक है अमेरिकन सिटकॉम फ्रेंड्स। अमेरिकन सिटकॉम फ्रेंड्स अमेरिका का एक पॉपुलर शो है जिसमें 6 फ्रेंड्स थे जिनका नाम रैचेल ग्रीन, फोबी बफे, मोनिका गेलर, चॉडलर बिंग, जॉय ट्रिबियनी, रॉस गेलर था। तो अगर आप गूगल पे फ्रेंड्स लिखकर उनका फर्स्ट नेम लिखेंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स मोनिका लिख रहा हूँ, अगर उनका फर्स्ट नेम लिखेंगे तो और उसके नीचे जो इमेज आएगा और अगर आप उस पर टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने मोनिका के लिए सर्च करके इस पर टैप किया तो स्क्रीन पूरा साफ हो जा रहा है। अगर मैं फ्रेंड्स रॉस सर्च कर रहा हूँ जैसे मैं अभी फ्रेंड्स रॉस सर्च कर रहा हूँ फ्रेंड्स रॉस पे जो इमेज आ रहा है मैं उस पे दबाता हूँ। देखिए ये टेढ़ा हो गया स्क्रीन। तो आप भी ऐसे अलग अलग टाइप्स के सर्च कर सकते हैं, जैसे अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब इस पे दोबारा से टैप करता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पूरा टेढ़ा हो गया। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, आप भी गूगल पे जाके इन 6 फ्रेंड में से किसी फ्रेंड्स लिखकर किसी का ही फर्स्ट नेम टाइप करके सर्च करेंगे और उसके बगल में इमेज पे टाइप करेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के गूगल ईस्टर एग्स मिलेंगे। जैसे अभी मैं दूसरा फ्रेंड्स का नाम दिखा रहा हूँ, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको फ्रेंड्स कोई भी, फ्रेंड्स कोई भी मैंने सर्च किया, अब मैं इस पे दबा रहा हूँ कि आप तो आप भी अगर किसी भी फ्रेंड्स का नाम सर्च करके उसके इमेज के नीचे बने आइकन पे दबाएंगे तो आपको एक ईस्टर एग मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को खुल खुल के शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ।